आई ग संचार, दूर संचार, नहीं नहीं हृदय, हृदय तोड़ तुटस्य। बदस्तूर का मतलब क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली मसाला। इस वक्त टेली मसाला की टीम आ गई है मैडम सर के सेट पर और देखिए हमारे साथ कौन मौजूद है करने एक खास सेगमेंट। कितने एक्साइटेड हो मैम आप इस सेगमेंट के लिए? एक्साइटेड हूं, टेली मसाला के बहुत सारे फन फन सेगमेंट्स होते हैं, आज बताओ क्या लाए हो। आज हम देखने वाले हैं या फिर आपके फैंस तक ये बात पहुंचाने वाले हैं कि आपकी चहेती हसीना मैम को कितनी हिंदी आती है। आई ग ओके, तो पहला वर्ड है आपके लिए टेलीफोन, सॉरी मोबाइल फोन। संचार, दूर संचार, नहीं नहीं संचार, दूर दूर भाषण, दूर भाषी। हाँ, मोबाइल दूर चल, दूर चल भाषी, नहीं क्या बता दो बता दो। चल दूर भाषी यंत्र, चल दूर भाष यंत्र, यस। ये मैं मुझे पता था। आपका दूसरा वर्ड है फोटोग्राफ। तस्वीर, नहीं तस्वीर इज फोटोग्राफ, तस्वीर लो हमारी। तस्वीर तो उर्दू तरफ चली गई। नहीं नहीं हिंदी उर्दू तस्वीर करेक्ट है भाई, लोग समझाओ इसे। छाया चित्र, मोशन पिक्चर, अच्छा छाया चित्र, छाया चित्र, करेक्ट। साइंटिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, करेक्ट, बहुत सही, बहुत ही सिंपल है। डॉक्टर, वैद्य, नहीं नहीं हॉस्पिटल से बाहर लिखा होता है वो, तो हॉस्पिटल तो रुग्णालय होता है मराठी में, वो तो मराठी हिंदी। चिकित्सक, एग्जैक्टली चिकित्सक। यार ये तो मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि हसीना मैडम जितनी मैडम सर में स्मार्ट और होशियार है ना उतनी ही यहाँ पे है। अब किसी भी डिवाइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यंत्र। वाओ, लास्ट वर्ड है, आई एम श्योर वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, पता नहीं मैम इसे कैसे टैकल करेगी। हार्ट ब्रेक, दिल टूटना, हृदय, 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 व्हाट तोड़, ओह नो तुटस्य हृदय, हृदय परिवर्तन पता है मुझे बट हृदय नहीं, हृदय आधा करेक्ट आया। हृदय विद्रक, हृदय विद्रक, हाय ये नया सीखा है मैंने, थैंक्स, नाइस। ये जो फन सेगमेंट था ये भले ही बहुत छोटा था जैसा भी था बट हिंदी से रिलेटेड। अच्छा मैं तुमसे बता दूं, बदस्तूर का मतलब क्या होता है? Continuous, my friend, continuous. okay. आपने तो मुझे नेस्तो नाबूद कर दिया, let me tell you all. तो हसीना मैम के साथ ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारे बीच का ये संवाद कैसा लगा? संवाद बताओ क्या होता है? कन्वर्सेशन, ऑफ कोर्स आई नो दैट। सो थैंक यू वेरी मच हसीना जी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टेली मसाला को टाइम दिया। थैंक यू सो मच टेली मसाला फॉर गेटिंग दिस फन सेगमेंट एंड आई होप आई मैं अच्छा 3-5 में से 3 तो आया ना मुझे, है ना? नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू सो मच। टेली मसाला आपसे प्रॉमिस करता है कि हम ऐसे ही फन सेगमेंट्स आप तक लाते रहेंगे। यस एब्सोल्युटली, अब ये जो हिंदी में किया ना वैसा इंग्लिश में भी करेंगे बिल्कुल, लेके दैट विल बी डन डन। थैंक यू सो मच।